गुड मॉर्निंग सर। सुनो शेखर, तुम्हारा ट्रांसफर जो है वो गंगा किनारे एक छोटे से गांव में किया जा रहा है। सर कितना बढ़िया पर था सर, ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं सर, यहीं पर खुशहाल थे हम। हाँ सर, लेकिन वहाँ एक स्टाफ की ज़रूरत है और वहाँ जाने के लिए कोई तैयार है नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर ज्वाइन करो और जल्द से जल्द रिपोर्ट करो। अच्छा ठीक है सर, परसों बताते हैं सर। तो मैं उम्मीद रखूँ कि तुम वहाँ जा रहे हो? यस सर, ठीक है। ठीक है शेखर, आई विल मीट यू सून। ठीक ठीक सर, ठीक। गाड़ी के का हो गया है? तो ठीक है, दिक्कत का है। ओ भाई, बंगाली गांव यही है? जी गांव तो यही है। बंगाली गांव दियर? जी हाँ, गांव तो यही है। आप कहाँ से आ रहे हैं साहब? हम झारखंड गांव से आ रहे हैं। यहाँ गांव में क्या काम है? गांव में काम है कि पोल उल वगैरह के काम उम लगल है, वही में हमको वहीं से ट्रांसफर होके यहाँ आए। आप इस गांव के बारे में जानते हैं? नहीं तो जानकारी हमारे पास नहीं, हम तो नया आए किए हैं। अगर मैं कहूँ कि आप गलत जगह आ गए हैं तो? फिर भी हमको तो ड्यूटी करना है। क्या आप ये बात जानते हैं कि आप जैसे कितने इंजीनियर हमारे जा चुके हैं? नहीं, ये बात तो हमको बॉस नहीं बतला है। आप उनके मौत का वजह नहीं जानना चाहेंगे? क्या बीमारी उमड़ी फैली थी क्या, कि कहीं भूकंप भूकंप आया था? आप पढ़े लिखे आदमी, आप शायद जो मैं बोलूँगा उस पर यकीन नहीं कीजिएगा। ठीक है बोलिए। इस गांव में एक डायन रहती है, कोई भी अजनबी जब इस गांव में आता है वो मारा जाता है। अजनबी क्या, गांव वाले भी मारे जा चुके हैं। वो तो हम हैं कि जिंदा हैं, कब तक है ये हम भी नहीं जानते। अरे यार, तू लोग तो इसीलिए तो मारा जाता है। कहाँ डायन है, क्या क्या है, क्या बात करते हो। बताओ कहाँ पे काम लगल है, कहाँ पे डाइन है? चलो काम बताओ, तू अपना हम अपना काम संभालेंगे, तू अपना डाइन संभालते रही हो। जैसी आपकी इच्छा सेठ। एकदम। अरे तुम लोग डाइन है डाइन के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे लेकिन के खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, ये अंधविश्वास के फेर में मत रहो। हाँ यार, हम बगल बगल बोल रहे हैं, तू सुन रहे है? अरे भी था तो पीछे पीछे वो भी लपता हो गया। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, अकेले ही चलते हैं। बहुत शानदार है लेकिन आदमी एक हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बॉस से पूछते हैं फोन करके। सर हम बगाली गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन सर यहाँ कोई आदमी उदमी एक को नहीं है। एक आध को मिलवो करते हैं तो अजीब अजीब सी बात बोलते हैं। जी यस सर। अरे यार, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया यार कि दो दिन की छुट्टी है भाई। मुझे माफ़ करना भाई, दो दिन काट लो, देख लो कोई आदमी होगा आसपास में, उनसे बात करके निकालो। आई एम वेरी सॉरी यार। क्या सर, क्या बात करते हैं। ठीक है सर, अब तो भैयाए हैं तो दो दिन तो हमको कैसे काटना होगा, लेकिन कोई मनुष्य आदमी दिखलाई नहीं दे रहा है सर। अच्छा ठीक,
जी। अरे यार तू कहाँ था? साहब मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप लौट जाइए। जाओ ना यार, काम माथा खराब कर रहा है, जाओ जहाँ था वहाँ जाकर लापता हो जाओ। चलो दो दिन के छुट्टी है, पिकनिक समझ के दिन काट लेते हैं। हरि सर, हम यहाँ कैसे चले हैं? हम तो वहां थे। अरे कोई है? कोई है? तो बड़ा बुरा नतीजा से फंस गए। कोई है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था इंजीनियर साहब, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। ठीक है भाई, जो हुआ कम से कम अब जान बचा दो भाई। बहुत लेट हो चुका। भगवान बचा ले भगवान। चलते चलते हम परेशान हो गए, बंगाली गांव दिगर वाला यही है।